नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं लर्न एनीथिंग यू वांट यूट्यूब चैनल। और आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो अपने आप में एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि जो जिसकी ये वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। तो इस वीडियो का जो उसने लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। शानहि माम जीवने आगच्छ, शानहि माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतामे, शते मेलाने ज्ञाने ज्ञापने। मेरा नाम इंद्रजीत साकेत है और मैं रीवा मध्य प्रदेश में स्थित भलुहा ग्राम का निवासी हूँ। अच्छा, और मैं इसमें स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सत्रार्ध बीत गया और द्वितीय सत्रार्ध प्रारंभ है, शुरू है। और संस्कृत विभाग से हूँ, मेरा संस्कृत है। संगीत के प्रति जो आपका लगाव है उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? ये तो हम देखिए, पहले जो भी पहले से हम उतना रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब हिंदी और शुद्ध संस्कृत जब से हारमोनियम और हारमोनियम हमने सीखा तो हमें आत्मविश्वास हुआ। और काफी लोगों ने कहा कि भाई जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में संगीत जरूरी है, तब से हमने इसको भी हम मतलब वो करने लगे। लेकिन विशेष मैं गा लेता हूँ बस, और अगर कोई संगीत का थियरी पूछे मतलब कि तो वो सब हमको ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान या ऐसे कुछ ज्ञान नहीं है। और देखिए, यद्यपि मैं कक्षा 12 तक संगीत पढ़ा, लेकिन मतलब उस समय ध्यान हम ना दे पाए। बिल्कुल। और मेरा आगे विचार है कि मैं अब डिप्लोमा करूं अगले वर्ष। इस वर्ष तो मैं छूट गया था, अगले वर्ष डिप्लोमा करूं। डिप्लोमा बांसुरी से डिप्लोमा करना चाहता हूं। बहुत प्यार है ना जी। देखिए, हनी सिंह की गीत है और इस गीत को हमने यूट्यूब में भी सुना। अपनी कोई बड़ाई नहीं है इसमें, हमने यूट्यूब में इस गीत को सुना हनी सिंह का। तो इसमें कभी किसी ने हमसे कहा कि भाई देखो, हमने तो सुना था, संस्कृत पुराना है, इसमें नया क्या हो सकता है। जब देखो तो कक्षा 6 में या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये हमने पढ़ा। कक्षा 8 में भी यही पढ़ा, कक्षा 7 में हर साल यही पढ़ने को मिलता है, तो इसमें नया क्या है। तो हमने कहा नया आपको क्या नया इसमें भी कहा, जैसे हिंदी गाने आते हैं हनी सिंह के, उस प्रकार से तो संयोग वशात हमें वो गाना याद था। तो हमने कहा हम सुनाते हैं आपको संस्कृत में क्या हो सकता है नया। तो हमने सुनाया, आप सब लोग सुने होंगे, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, उसी को धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, वह संस्कृत में। प्रतिपालतव संस्मरणम संस्मरणे मात्रम त्वम हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं तम। प्रतिपालतव संस्मरणम संस्मरणे मात्रम त्वम हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं तम। तव मम मम तव एक प्राण किं कुर्यां, गायानि नृत्यानि भ्रामानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्यां। शानहि माम जीवने आगच्छ, शानहि माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतामे, शते मेलाने ज्ञाने ज्ञापने। क्षायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये, निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुप्रिये। क्षायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये, निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुहृदे। तव मम मम तव एक प्राण किं कुर्यां, गायानि नृत्यानि भ्रामानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्यां। शानहि माम जीवने आगच्छ, शानहि माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतामे, शते मेलाने ज्ञाने ज्ञापने। बहुत प्यारा है इंद्रजीत सर। वृंदावन जाने
को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में, वृंदावन में यमुना मैया, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। तो वीडियो होती है यहाँ पे खत्म, और ये वीडियो अपलोड हुई थी द बिहार मेल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को एक बार जरूर देखना, सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, और वीडियो को लाइक करना। अब आते हैं इस वीडियो पे, तो मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, मजा आ गया सही में। ये ताले लग गए हैं मेरे मुंह पे, ये देख नहीं सकते हैं, ये ब्लाइंड है, बट इनके पास इतनी सारी एबिलिटीज हैं जो शायद हम लोगों के पास। बिल्कुल, इनके बात करने का तरीका, एक एक वर्ड इतना क्लियर, इतनी शुद्ध हिंदी और शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं, शुद्ध संस्कृत में प्योर ट्यून के साथ इन्होंने धीमे धीमे वाला गाना सुना। स्माइल हर टाइम इनके मुंह पे थी, स्माइल इतनी प्यारी है इनकी, मजा आ गया मेरे को सुन के, मैं दिल ना बिल्कुल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। सही बात है, सही बात है। जो गाना गाया इन्होंने हनी सिंह का, वो गाना एक्चुअली ये संस्कृत इतना कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो गाना हमने सुना हुआ इस वजह से हमें ये समझ में आ रहा था, और धुन बिल्कुल वही, इनका वो चुटकी बजाने का तरीका, इतनी फास्ट चुटकी बजा रहे थे ये, बहुत अच्छे से चीजों को सीखा इन्होंने। और ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ, इनको किसी ने कहा कि संस्कृत में तो कुछ नया क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नया, तो इन्होंने कहा संस्कृत में बहुत कुछ नया कर सकते हैं, और उन्होंने एकदम से वो गाना गा के सुना दिया उन्हें, और तब से ये इस तरह के गाने गाने उन्होंने शुरू कर दिया। और सही में ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको दिखाया, समझाया, अपने बारे में चीजें बताई। कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? इतने टैलेंटेड पर्सन, और मतलब मैंने पहली बार कोई वीडियो देखी है। हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि इतना टैलेंटेड पर्सन है, ये बस दुनिया में छा जाना चाहिए। बिल्कुल, भगवान इनको बहुत समृद्धि दे, बहुत हेल्थ और वेल्थ दे, हमारे लिए नहीं, इस वीडियो को इनके लिए शेयर कीजिए। बिल्कुल, जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, दिखाइए कि एक मतलब ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इतनी स्पेशल एबिलिटी है, वो इतना अच्छा गाते हैं, वो हिंदी गाने को संस्कृत में ट्रांसलेट कर लेते हैं बिना किसी म्यूजिक के, सिर्फ चुटकी में, चुटकियों से। और उन्होंने दूसरा जो भजन गाया ऑसम यार, हाँ, वो तो हम साथ में गाने लग गए, वृंदावन जाने को जी चाहता है, मजा आ गया, बहुत बहुत प्यारा था ये। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, इनके लिए देखना, ये बहुत ही सुरीली आवाज थी इनकी, और हमको इनकी वीडियो बहुत पसंद आई। होप आपको भी इनकी वीडियो पसंद आई होगी। इनकी वीडियो अच्छी लगी तो इनके चैनल पे जाके, जो इनका मेन चैनल है, उस चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, और इंद्रजीत सर को लाइक करना और बहुत शेयर करना। इनको बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।